हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नया ट्यूटोरियल लेके आप लोगों के सामने, और नए नए ट्यूटोरियल मैं लाती रहती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है कि इसका रिव्यूज देना चाहिए और देना भी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट पे जिसकी नॉलेज बहुत लोगों को नहीं है, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप करते हैं, जिनको है, जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने क्लास की है, उनको तो पता है, लेकिन नॉर्मली लोगों को नहीं पता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस पर कि आपको कैसे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, कितने शेड्स रखने चाहिए, कितने शेड्स नहीं रखने चाहिए, आपको 1 शेड खरीदना है, 2 खरीदना है या 3 खरीदना है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि लूज पाउडर आपको कौन से लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि लोगों को लगता है आप एक लूज पाउडर ले लेंगे उससे आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपको तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास फाउंडेशन जब हम लेते हैं, तो हम जब आप जाते हैं स्टोर पे, तो वो बहुत सारे शेड्स होते हैं। आपको सिर्फ अगर अपने लिए भी चूज करना, तभी वो बहुत सारे शेड्स दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हर शेड्स का फाउंडेशन होता है, क्योंकि हम लोगों की स्किन अलग अलग होती है। कोई डस्की होता है, कोई फेयर होता है, कोई न्यूट्रल होता है, कोई कॉम्बिनेशन होता है, नॉर्मल होता है, जो भी होता है। इतनी सारी स्किन्स हैं इंडियन की, तो और इंडियन में सबसे ज़्यादा स्किन्स पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कलर्स पाए जाते हैं स्किन के, ये कौन कौन से हैं। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लूज पाउडर पे, कि लूज पाउडर कौन कौन सा ले। तो लूज पाउडर मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे पास 3 लूज पाउडर है। व्हाइट है, नॉर्मल है, डार्क है। तो मोस्टली लोगों का होता है, जब लोग अपनी किट तैयार करते हैं या अपनी किट में सामान लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनको होता है कि आप एक बनाना पाउडर ले लीजिए, आपकी हर स्किन पे चला जाएगा, ये हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है गाइस, बनाना पाउडर हर स्किन पे नहीं जाता है। तो आप जब भी लें, आपको ये तीनों तो शेड लेने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत फेयर हैं तो उस पे जाएगा वाइट ट्रांसलूशन पाउडर, अगर आप मीडियम के हैं तो आप बनाना देंगे, अगर आप डस्की स्किन पे काम कर रहे हैं तो उसको आप डार्क देंगे। क्योंकि अगर आप सोचिए, आपने सिर्फ एक बनाना ले लिया और आप पे आ गया कोई डस्की स्किन, तो आप डस्की पे बनाना दे देंगे, तो सोचो वो कैसा लगेगा। आप डस्की पे एकदम से बनाना लगाएंगे, वो तो येलो येलो सा लगेगा, थोड़ी देर में उसकी स्किन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वो डार्क लगने लग जाएगा। लगेगा कि नहीं गाइस, बताइए। अगर आप फेयर हैं और फेयर पे आप दे दीजिए डार्क, तो वो कैसा लगेगा? उसकी खुद की फ्रेयरनेस तो खो जाएगी। वो बेचारा इतना सुंदर, और आपने इतना अच्छा फाउंडेशन लगाया, इतना अच्छा आपने फाउंडेशन लगा के उसका एक ड्यूई सा लुक दिया है, वो तो सारा खत्म हो जाएगा। आप उस पर डार्क नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए गाइस, जब भी आप अपनी वैनिटी में प्रोडक्ट लेते हैं और जहां पे लूज पाउडर्स की बात आती है, तो आपको ये तीनों शेड लेने ही लेने हैं। क्योंकि अगर आप फेयर पे हैं तो आपका ये वाइट जाएगा ट्रांसलूशन पाउडर, जो बहुत फेयर उन पे ये अकेले चला जाता है, आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मीडियम के हैं तो आप उस पे बनाना देंगे, और अगर आप डस्की पे काम कर रहे हैं तो आप उसको डार्क देंगे। अब डस्की पे आप बनाना नहीं दे सकते, वो एकदम से अलग से वाइट वाइट फेस दिखेगा, वो मर्ज नहीं होगा स्किन में। जैसे लोग कहते हैं ना, इंडियन के लिए तो एक बनाना ले लो सब पे चला जाएगा, एक इंडियन है बनाने पे, ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप एक बनाना ले लेते हैं और आप सोचो कि हर स्किन पे चला जाएगा, हर इंडियन स्किन पे, तो वो नहीं जाएगा। आपको ये 3 शेड लेने ही लेने, क्योंकि हमारे पास स्किन ही ऐसी आती है, डस्की, मीडियम या फेयर, तो आपको लेना ही है। तो ये नो तीनों शेड हैं। अगर बार डस्की आती है तो आप उस पर डार्क दीजिए, आप मीडियम आती है आप बनाना दीजिए, आप पे बहुत फेयर आती है तो आप उस पर ट्रांसलूशन वाइट पाउडर दीजिए। लेकिन अगर आप फेयर बहुत ज्यादा नहीं आती है, मीडियम फेयर के बीच में आती है, तो आप उस पर बनाना भी दे सकते हैं, आप उस पर बनाना भी दे सकते हैं। तो गाइस, मेरा आज का रिव्यूज यही था कि आप जब भी लूज पाउडर लें तो आप ये तीनों लें, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है कि आपको ये तीनों शेड लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि हमारे इंडियन की स्किन अलग अलग होती है, आप वाइट पे डार्क पे वाइट नहीं दे सकते, है ना, और बहुत वाइट है उस पर आप डार्क नहीं दे सकते, मीडियम पे आप वाइट नहीं दे सकते। तो आपको ये तीनों लेने ही लेने हैं। आप डस्की के हैं तो आप डार्क यूज करिए, आप मीडियम के हैं आप बनाना यूज करिए, आप फेयर के हैं तो आप वाइट ट्रांसलूशन पाउडर यूज करिए। तो ये तीनों बहुत जरूरी है गाइस, आप जब भी लें तो ये तीनों लूज पाउडर लें।
और ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप सिर्फ एक बनाना ले लेंगे और एक बनाना लेने के बाद वो आप हर स्किन पे दे देंगे, वो हर स्किन पे चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। बनाना हर स्किन पे नहीं जाएगा, वो मीडियम पे ही जाएगा, या फेयर से थोड़ा सा फेयर से मीडियम में मिलता जुलता शेड आता है कोई स्किन, जैसे मेरी स्किन है, मैं बनाना लगाऊंगी तो चला जाएगा, क्योंकि ना मैं बहुत फेयर है ना मैं बहुत डार्क आती है, तो आप उसमें बनाना तो नहीं देंगे ना, उसके लिए तो आपको एक डार्क कलर लेना ही पड़ेगा। तो आज का रिव्यूज मेरा यही था गाइस, तो मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और